This is question number 45. MN buys 20 pens plus 16 books, cost of 360 rupees. तो बच्चों मैं इसको 4 से cancel out कर देता हूँ, both side, it will become 5P plus 4B equal to 90, this is equation number 1. Next, देखिएगा, कहता है on pens he will get 40% profit, यानी 20p उस पे उसको 40% का प्रॉफिट मिला, तो ये प्रॉफिट मिला पेन से, प्लस 16b, ऑन 16b ही विल गेट 25% प्रॉफिट, एंड द होल प्रॉफिट इज इक्वल टू 120, राइट? तो मैं इस 100 को यहाँ से हटा के दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो इट विल बिकम 800p प्लस 16 मल्टीप्लाई 25 बी इक्वल टू 1210 और दो जीरोस अलग से। तो ठीक है बच्चों, मैं 25 से पहले कैंसिल कर देता हूँ, इधर भी, इधर 4 से, इधर 4 से, ठीक है, अगेन 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 4 से 4 पे और इधर ये वाला 4 कैंसिल आउट, तो 8p प्लस 4b इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बच्चों 120, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं, दैट मींस 8p प्लस 4b इज इक्वल टू 120, जस्ट सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस का 3p ये कैंसिल आउट, दिस वुड बी -30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से 10 पे कैंसिल आउट, तो p कॉस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीस, जो कि आपसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पे 4 है।